श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। गुरुजी ने तीन ऐसे कारण बताए हैं जो यदि आपके घर में भी होते हैं तो आपके घर में भी पितृदोष है। यदि आप 1 रुपया कमाते हैं और 1.25 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपके घर में पितृदोष है। 1 रुपया कमाने के बाद 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं तो आपके घर में पितृदोष है। दूसरा कारण ये है कि यदि आप रात्रि को सो जाते हैं और सोने के बाद में 11 से 2 बजे के बीच आपकी नींद खुल जाती है और आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगती है, भूख लगती है, तो आपके पितर प्यासे हैं और भूखे हैं। यह भी दूसरा कारण है कि आपके घर में पितृदोष है। तीसरा कारण, यदि घर में किसी छोटी सी बात पर ही लड़ाई हो जाती है और वो बात आप सोचते हैं ये बात बहुत छोटी थी, इस बात पर भी आप यदि घर में लड़ाई हो जाती है तो यह भी पितृदोष का कारण है। अब हम आपको पितृदोष के 2 उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय, आपको जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे 21 दुर्वा लेनी है और 21 दुर्वा लेने के बाद आपको इनकी एक पोटली बना लेनी है। ऐसे 21 दुर्वा को बांध लेना है एक साथ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 21 दुर्वा की 1, फिर 21 दुर्वा की 2, 21 दुर्वा की 3, ऐसे करते करते आपको 4, 5, 6, 7, कुल 7 पोटलियाँ ऐसी बनानी है दुर्वा की। इन 7 पोटलियों को किसी प्लेट में रख कर, जहाँ पे आपका पितरों का स्थान है, जहाँ पे आप मटका रखते हैं, वहाँ पर रख दीजिए। 3 से 4 दिन लगेंगे और धीरे धीरे आपका पितृदोष समाप्त तो शुरू होना हो जाएगा। कम से कम 7 दिन तो आपको इन पोटली को आपके पितरों के स्थान पर रखना ही है। 7 दिन तो आप इन पोटली को आपके पितरों के स्थान पर अवश्य रखें। दूसरे उपाय में आपको एक कटोरी में थोड़े से चावल लेने हैं। एक कटोरी में थोड़े से चावल लीजिए। चावल लेने के बाद में उसमें थोड़ी सी दुर्वा डाल लीजिए। अब थोड़ी सी दुर्वा डालनी है आपको, गिन के नहीं डालनी, थोड़ी सी दुर्वा आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी दुर्वा और एक बेल पत्र। ये एक बेल पत्र तो एक कटोरी में आपको चावल, दुर्वा और बेल पत्र, ये 3 चीज़ डाल लेनी है। ये 3 चीज़ डालने के बाद आप उस कटोरी को जहाँ आपका पितरों का स्थान है उस पितरों के स्थान पर रख दीजिए। पितरों के स्थान पर रखने के बाद में उस कटोरी के सम्मुख में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। कम से कम 3 दिन तो उस कटोरी को वहीं रखे देना है। वैसे तो गुरुजी ने बताया कि 16 दिन तक उस कटोरी को आपको अपने पितरों के स्थान पर रखना है, लेकिन अगर आप 16 दिन नहीं रख पाते हैं तो कम से कम आपको 3 दिन तो उस कटोरी को वहाँ पर रखना ही होगा। 3 दिन रखने के बाद में, या अगर आपने 16 दिन रखी है तो रखने के बाद उस कटोरी के बेलपत्र को भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए और वो जो दुर्वा है उसको भी भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। और जो चावल है उस चावल को आप किसी चिड़िया कबूतर के दाने में डाल सकते हैं या किसी जीव को खिला सकते हैं। ये उपाय करने के बाद आपके घर से पितृदोष पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।